हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपिक जोन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने स्टोरेज के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो उससे पहले किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो और मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन में एक नई चीज़ ऐड करी है, नोट्स इस चैप्टर के पूरे PDF में, जो एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाए गए हैं, और उनकी कॉस्ट जो है वो सिर्फ 25 रुपीज़ रखी गई है। ये स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से, फूड फ्रॉम एनिमल्स। सो यहाँ एक एक्टिविटी गिवन है, मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कम्प्लीट इट। सो यहाँ पर एक टेबल दी गई है जिसमें बताया गया है कि हमें कौन कौन सी जो चीज़ें हैं खाने की एनिमल से मिलती हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी गई है, फर्स्ट मिल्क। सो मिल्क जो है उसका सोर्स क्या होता है, काउ से मिलता है, बफेलो से, या गोट से, या फिर कैमल से। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत चीज़ें हो सकती हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं, फ़िश भी आप कह सकते हैं, और यहाँ पर मीट, चिकन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एनिमल से मिलती हैं। तो यहाँ पर आप वो टेबल कंप्लीट कर सकते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। जैसा कि एनिमल से भी हमें फूड मिलता है और प्लांट से भी हमें फूड मिलता है। ठीक है, मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज अ मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट। तो कुछ जगह पे क्या होते हैं, कुछ लोग एज अ डाइट फिश कंज्यूम करते हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि कुछ लोग जो है वो फिश पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इन द प्रीवियस क्लासेस यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स। अब हमने पहले की क्लासेस में पढ़ रखा है कि फूड हमें जो है प्लांट से भी मिलता है। सो वी हैव जस्ट सीन दैट द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ स्टेप्स लाइक सेलेक्शन ऑफ सीड्स, सोइंग एक्सेट्रा। तो ये हम अभी पढ़ते हैं इस चैप्टर में, किस तरह से हम सोइल को प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से उसके अंदर प्लोइंग होती है, सोइंग होती है, देन इरीगेशन होती है। इसके बाद मतलब मल्टीपल स्टेप्स हमने जो है पढ़े हैं। तो सिमिलरली एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन द फार्म्स। तो एनिमल्स जो है वो घर पे भी पाले जाते हैं या फिर फार्म्स में भी पाले जा सकते हैं। सो दे हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। तो उनकी उनके लिए भी क्या होता है, जैसे हमारा घर होता है प्रॉपर ह्यूमन बींग्स का, उसी तरह से जो है एनिमल्स के लिए भी एक प्रॉपर फूड जो है उनको दिया जाता है, शेल्टर केयर उनकी पूरी की जाती है। सो वेन दिस इज डन ऑन अ लार्ज स्केल दिस इज कॉल्ड द एनिमल हस्बेंड्री। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वट इज़ एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री का मतलब ये होता है कि एक लार्ज अमाउंट पे उनसे कुछ गेन करना, और लार्ज अमाउंट पे क्या होता है पशुपालन एक तरह से जिसे बोल सकते हैं आप। ठीक है, सो यहाँ पर पहेली ने एक क्वेश्चन किया या फिर उसने कुछ बताया, फिश इज गुड फॉर हेल्थ। तो फिश क्या होती है, हेल्थ के लिए अच्छी होती है। वी कैन कोड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है लीवर ऑयल कहाँ से मिलता है हमें, फिश से, और जो फिश होती है उसके अंदर कौन सा विटामिन होता है, विटामिन डी। तो एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, विटामिन डी हमें किससे मिलता है, फिश से। तो इस वीडियो के अंदर हमने जो है एक बेसिक सा जो अपना टॉपिक है वो कवर किया है, फूड फ्रॉम एनिमल्स। तो अगली वीडियोस में जो है हम इसके NCERT के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे, और आप एक बार नोट्स को जरूर चेक कर लें जो मैंने PDF इसके अंदर ऐड करी है डिस्क्रिप्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, और अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।